पूरी टीम रिश्वत देकर कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो गई। ड्यूटियां लगी इमाम बारगाहों जैसी हसास जगह पर। सरेआम का एक रुकन खुदकुश बमबार जैसी जैकेट पहनकर मजलिस के अंदर पहुंच गया। लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास खो बैठता है। वो भूल जाता है कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आग और खून में धकेल रहा है। वो फरामोश कर देता है कि अपने बच्चों के लिए काला धन कमाने के चक्कर में वो न जाने कितने मासूम बच्चों का कातिल बन रहा है। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता कि उसकी जेब में आने वाले चंद टकों की वजह से जीते जागते जिस्म टुकड़ों में बदल सकते हैं। हराम के पैसों पर बदमाशी और अय्याशी करने वाले ये लोग हंसते बसते घरों से उठने वाले जनाजों का दुख महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्हें जरा बराबर भी अंदाजा हो कि किसी बच्चे के यतीम होने का दुख क्या होता है, भरी जवानी में बेवा हो जाना जिंदगी की कितनी बड़ी अजियत है, या किसी खुदकुश हमले में जवान बेटे को खो देने के बाद उसके जनाजे को कंधा देना एक बाप पर क्या कयामत ढाता है, तो वो ऐसा मकरूह और घिनौना काम करने से पहले अपने बीवी बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों के बारे में जरूर सोचें कि खुदा ना खास्ता किसी दहशतगर्द कार्रवाई या धमाके के बाद अगर उन्हें अपने प्यारों के जिस्मों के टुकड़े समेटने पड़े तो क्या होगा। लेकिन लालच इंसान को वाकई अंधा कर देता है, और आज का सरेआम लालच, हिरस और हवस की एक ऐसी लर्जा खेज हकीकत सामने ला रहा है जिसे सुनकर किसी भी होशमंद शख्स के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, सरेआम की टीम मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात में एक ऐसे शगाफ का इंकशाफ करने जा रही है जो अफसरान की तबीयत साफ कर देगा। ऐसी सूरत हाल में जब अभी कराची में आशूरा और चेहलम के धमाकों के जख्म ताजा हैं, सरेआम की टीम ऐन मुहर्रमुल हराम के दौरान रिश्वत देकर न सिर्फ कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो गई, बल्कि असली कार्ड्स और वर्दियां हासिल करने के बाद सरेआम की टीम पुलिस के रूप में चार दिन तक हसास तरीन इमाम बारगाहों और मजालिस पर तैनात रही। न्यू कराची के एक इमाम बारगाह पर तो ये सूरत हाल थी कि ड्यूटी पर मौजूद 10-11 अहलकारों में से 7 पुलिस के रूप में सरेआम की टीम के मेंबर थे। तसव्वुर कीजिए, अगर सरेआम के 7 अराकीन की जगह 7 दहशतगर्द मामूली रिश्वत देकर कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो जाते तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अमली तौर पर ये पूरा इमाम बारगाह उन दहशतगर्दों के कब्जे में होता। सिर्फ यही नहीं, कमोबेश रोजाना पेश आने वाले वाकयात की तरह सरेआम की टीम ने कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती होने के बाद चौराहों पर रिवायती लूटमार भी की और एक घर में डकैती की तमसील कारी भी। और इस सारी हौलनाक सूरत हाल का जिम्मेदार था वो शख्स जिसने रिश्वत लेकर सरेआम की टीम को पुलिस कौमी रजाकार में भर्ती किया था, और वो लोग जो इस हराम की कमाई में बराबर के शरीक थे, और वो लोग भी जो गफलत की नींद सो रहे हैं चाहे कितने ही लोग मौत की नींद क्यों ना सो जाएं। पुलिस कौमी रजाकार का महकमा इसलिए कायम किया गया था कि जरूरत के वक्त इनसे मदद दी जा सके, मसलन इलेक्शन, मुहर्रमुल हराम और रबीउल अव्वल। और जाहिर है ये सभी मौके हसास तरीन है, इसीलिए इन पुलिस अहलकारों को भर्ती करने का मयार खासा कड़ा है, लेकिन सिर्फ कागजों की हद तक। असल में इन मयारात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। AIG वेलफेयर के जेर इंतजाम चलने वाले इस महकमे के फंड्स, पुलिस कौमी रजाकारों के अलाउंसेज
और दीगर अखराजात अफसराने बाला ही चट कर जाते हैं। उल्टा इन अहलकारों से पैसे लेकर इन्हें भर्ती किया जाता है और ये लालच देकर कि वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर खूब लूट मार करें और उस लूट मार में से भी अपना हिस्सा पहले से तय कर लिया जाता है। सरयाम की टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये खतरनाक इत्तलात मिलने के बाद कि कैपिटल सिटी पुलिस में रिश्वत लेकर धड़ाधड़ भर्तियां की जा रही हैं और बगैर मतलूबा कागजात के सिर्फ कागजी नोटों के बल पर होने वाली ये भर्तियां शहर के किसी भी हिस्से को कागजी पुर्जों की तरह उड़ा कर रख सकती हैं। यानी कोई भी दहशतगर्द चंद हजार की रिश्वत देकर और पुलिस की वर्दी लेकर बेगुनाहों को खाक और खून में नहला सकता है। सरयाम की टीम ने इस पुरखतर काम के खात्मे के लिए जान लड़ा देने का तहिया किया और कुछ ही मेहनत के बाद हम एक ऐसे शख्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए जो खुद को पुलिस कौमी रजाकार अल मारूफ कैपिटल सिटी पुलिस का DSP बताता था और हमें पैसे लेकर इस पुलिस में भर्ती करने के लिए तैयार था। वो पुलिस जिसे हम अब तक कौमी रजाकार पुलिस फोर्स समझ रहे थे, लेकिन भर्ती होने और गार्ड बनने पर हमें पता चला कि ये कैपिटल सिटी पुलिस है। इस शख्स ने एहतियात के पेश नजर डील के लिए हमारे नुमाइंदों को एक मामूली से होटल पर बुलाया था। तो थोड़ी फीस कम हो जाएगी सिपाही की, चले मैं दे दूंगा, ये दे देगा, लेकिन बाकी जो दोस्त हैं सर वो कोई काम, मैं भी कोई काम नहीं करता, बुरा नहीं मानिएगा मैं आपको। नहीं, बुरे की बात नहीं बेटा, कोई हाँ हमारे ये से अफसर हो जाएंगे अभी आप। एक बातचीत हो रही है, घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा क्या, और ये दो सब को भरना है बेटा, हमको यहाँ से क्या मिल रहा है। सही बात है, ये बेलोज खिदमत कर रहे हैं बेटा, इस पर खर्चा आता है, हमें आगे DSP को भी देना पड़ता है। बेशर्मी, ढटाई और बेपनाह खुद एतमादी की इंतहा थी कि जहां ये साहब रिश्वत की रकम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के DSP के साथ बांटने का एतराफ कर रहे थे, वहीं रिश्वत लेकर ये कैपिटल सिटी पुलिस का ऑफिशियल कार्ड 10 मिनट में बनाकर देने का दावा भी कर रहे थे। वही कार्ड जिसके बनने के बाद सरयाम की टीम के कारकुनान खुदकुश बम्बार जैसी जैकेट पहनकर मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के दावों को हवा में उड़ाने वाले थे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या वो सब चीज़ें लाके आपको दे देनी है? बस आप मुझे फोटो शनाख्ती कार्ड ला के दीजिए, भेज दीजिए, कार्ड दे दीजिए अपना। कार्ड हाथ के हाथ मिल जाएगा? हाथ के हाथ दूंगा, 10 मिनट में दूंगा आपको कार्ड। और सर जैसे अभी हम लोग जैसे भर्ती हो गए, सही है, दोस्त वगैरह, तो सर आप हमें किसी थाने में लगवा सकते हैं, आप किसी थाने वगैरह में भेज सकते हैं? हाँ, जितने मेरे थाने हैं, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, हमारे जितने थाने हैं 5। हैरतअंगेज बात ये थी कि कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती करवाने के लिए ये साहब शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी बस रस्मन ही मांग रहे थे, क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि अगर कोई बंदा मौजूद ना हो और उसकी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी ला दी जाए तो क्या उसे भी भर्ती कर लिया जाएगा, और इन्हें तो सिर्फ पैसों से गरज थी। जैसे कोई दोस्त है वो जॉब पे जा रहा है, अभी जॉब पे जैसे मैं आपको कार्ड ला दूं, मैं उसकी फीस ला दूं, तो आना पड़ेगा आपके पास? कोई जरूरत नहीं है, जैसे अभी मैं आपको अभी अपॉइंटमेंट दे दूंगा आपको, आप मुझे कार्ड दे देंगे और मैं अगर चाहूंगा कि मैं वर्दी पहन के आपके साथ बैठूंगा, मैं बारगाह वगैरह तो बिठा लेंगे। चलो 10 मिनट के बाद चलो मेरे साथ। सच्ची बात तो ये है कि हमें लगने लगा था कि ये कोई जाली DSP है और हमें जाली कार्ड्स बनाकर देने के बाद ये रफू चक्कर हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो आखिर इतनी अंधेर नगरी भी नहीं कि चंद हजार रुपए के इवज फुटपाथ पर बैठकर पुलिस के कार्ड्स बनाने के बाद कोई भी शख्स हमें कराची जैसे हसास शहर में, मुहर्रमुल हराम जैसे हसास महीने में और इमाम बारगाह जैसी हसास जगह पर पुलिस वाला बनाकर खड़ा कर दे और वहां सिक्योरिटी का सारा निजाम भी हमारे हाथ में हो। लेकिन आसाब पर काबू रख कर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही होने जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, इस शख्स के पास मुहर्रमुल हराम के बाद रिश्वत सतानी का बाकायदा एक मंसूबा भी था। हमारे जो बंदे होंगे, हमारे बेटी भाई, वो ड्यूटी दे रहे होंगे इमाम बारगाह पर। अच्छा, मैं ये कह रहा था ऐसे पुलिस वालों के साथ फायर के अंदर वो आप लगा सकते, लगा देंगे हमारे? अभी बिठा दें? नहीं, मैं ये कह रहा था वैसे हमारी ड्यूटी लगाते ना इमाम बारगाह वगैरह पर आप, या पुलिस वालों के साथ, सर हम दिन में कितना मसलन कमा लेंगे अगर इमाम बारगाह में? क्या मिलेगा? नहीं, इमाम बारगाह में जो पुलिस वाले ड्यूटी लगाते ना हमारी मोबाइल में ऐसे इधर उधर, जो पुलिस वाले कमाए 50% करो। अच्छा, उसे 50% कर लें, बस चलें सर। मैं घरों में लगा दूंगा, लूटो खाओ,
पुलिस में भर्ती होने के लिए सरेआम की पूरी टीम ने तस्वीर बनवाई और मैंने इस खुशगुमानी में अपनी तस्वीर को थोड़ा एडिट भी करवाया कि कहीं कोई पहचान ना ले और सारा मामला गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जब अगले रोज तस्वीरें लेकर उनके पास गए तो उनका कहना था कि वर्दी वाली तस्वीर चाहिए और साथ ही एक मखसूस फोटोग्राफर के नाम एक रुका भी लिख दिया जिसके पास इनकी दी हुई पुलिस की वर्दी मौजूद थी। जाके ये पर्चा दे दे वो बना देगा, वो वर्दी के अंदर आपको हर चीज काम तैयार करके 10 मिनट के अंदर तमाम फोटो आपके हवाले कर देगा। अरे बेटा यही बना के दे दूंगा आपको, बस आपके सामने बनाऊंगा हर काम आपके सामने करूँगा, गड्डियाँ चढ़ा दूंगा, टीसी पे चढ़ा दूंगा, उसके जो हम कमाएंगे उसमें आपका भी नहीं बेटा, वो अलग बात है। एक नंबर होगा ना अंकल? बेटा एक नंबर थाने में बुला के आपको बुझाऊंगा, अगर जूनियर को वर्दी मिल गई आज उनको ड्यूटी पे भी लगा दूंगा। वो पैसे कमा तो सकते हैं ना एक्स्ट्रा? वो पैसे आप जाचा जी क्या कमा लो, जाचा जी क्या जाके कमा लो, बस सही है। कौन रोकेगा? रेट पे जो मशीन पकड़ा है आपने या जो भी डिपार्टमेंट में दिए थाने आएगा, आज से कटिंग करो आप अपनी 50% के मालिक का जैसी क्या सीधी पुलिस है हम देखने वाला तो फोटो देखता है। बहरहाल सरेआम की पूरी टीम ने एक बार फिर तस्वीरें बनवाई और इन साहब ने तकरीबन फुटपाथ पर बैठकर ही सरेआम की टीम के पुलिस कार्ड्स बनाना शुरू कर दिए। पुलिस को पैसे क्यों दिए हैं? तुमने दिए हैं ना जबरदस्ती, मतलब तुमने दिए तो उन्होंने दिए ना, सब चीजें रिकॉर्ड, सब चीजें रिकॉर्ड, शोर नहीं मिला है। कैपिटल सिटी पुलिस के खाली कार्ड्स, तस्वीरें चस्पा करने वाली गम, मोहरे, इंक पैड, इन साहब के पास तमाम चीजें मुकम्मल थी और लग रहा था कि ये इनका मामूल का काम है। अगर नहीं दे तो आपकी बात करा देंगे। अरे नहीं बेटा, आप जाओ, कार्ड बन गया हमारे, बन गया ना, कार्ड बन गया आपका। इस शख्स ने 7 लोगों को कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती किया था और इनमें से 6 लोग कभी भी इसके सामने गए ही नहीं। So, जब ये कार्ड्स दफ्तर लाए गए तो बाकी लोगों ने इस पर अपने अपने दस्तखत किए। अगले रोज खुद को DSP जाहिर करने वाला ये शख्स हमें अजमेर नगरी हेडक्वार्टर से मुत्तसिल यूनिफॉर्म शॉप पर ले गया और वहाँ सरेआम की टीम ने भर्ती के हिसाब से ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स की वर्दियाँ आसानी हासिल कर ली। कैपिटल सिटी पुलिस या पुलिस कौमी रजाकार की वर्दियों और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वर्दियों में सिर्फ एक मामूली सा फर्क था और वो ये कि इन वर्दियों पर सिर्फ पुलिस की बजाय पुलिस QR लिखा था, यानी पुलिस कौमी रजाकार। और हम में से शायद ही कोई होगा जिसने पूरी जिंदगी में इस बैच को इतने गौर से देखा हो कि फर्क वाजे हो सके। वापसी पर गाड़ी में जगह कम होने के बायस गाड़ी के ड्राइवर ने DSP के सामने ही मासूमाना अंदाज में कहा कि जो इजाफी लोग हैं वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाएं, और उसका इशारा उस गाड़ी की जानिब था जिसमें कैमरा छुपाया गया था। वो तो शुक्र है कि DSP साहब को शक नहीं हुआ। सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। सरेआम की टीम कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो चुकी थी, सो तैयारियों का आगाज हुआ।
पुलिस का बहरूप भरने के बाद सरेआम की टीम दफ्तर के करीब ही एक सड़क पर नाका लगाकर खड़ी हो गई और यकीन जानिए महज आधे घंटे में 2,500 से 3,000 की रकम आसानी से बटोर ली। ये अलग बात है कि हमने सभी पैसे साथ ही साथ उन लोगों को वापस भी कर दिए। इधर आओ। ये रे पैसे क्यों देते हो पुलिस को तुम लोग? पुलिस को पैसे क्यों दिए हैं? सर हमने तो नहीं दिए, खुद ही बता रहे थे। तो बेटा तुमने दिए हैं ना जबरदस्ती, तो तुमने दिए हैं तो उन्होंने दिए ना। आखिर कागज पूरे नहीं है, लाइसेंस नहीं है, क्यों नहीं है? सर हम कॉलेज कार्ड है, कॉलेज कार्ड पे घूमते हैं, वैसे किसी तक पकड़ा है, अगर पकड़े तो कॉलेज कार्ड जाओ लो, ले लो वापस, नहीं जाएंगे तो बंद। अच्छा चलो ये लो जाओ, ख्याल किया करो लेकर बेटा। ये ले 400 और इधर आए आप पास, यहाँ खड़े हैं, मुझे वापस दे दो 400 रुपया। ये लो अपने पैसे। और यार मेरी बात सुनो, 1.5 महीना हो गया कार्ड तुम्हारा छीने हुए, आसानी से तुमने जाके एप्लीकेशन देनी थी, 15 दिन में तुम्हारा कार्ड बन जाना था, ठीक है? लाइसेंस अगर ऑलरेडी बना हुआ था तो आपने एप्लीकेशन देनी थी, उसकी डुप्लीकेट आपको मिल जाएगी 2,000 दिन में।